हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आज कौन सा दिन है? आज है शनिवार। शनिवार सुबह है, हो रहा है कि शाम हो रहा है? सुबह। अच्छा सॉरी, सुबह के 8 बजे हैं और आज हम कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं। ये मतलब घर होममेड वाला कुछ स्पेशल बनेगा, तो चलिए आपको दिखाते हैं और खाते हुए भी दिखाएंगे। बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और हम लोगों को भी। अब मॉर्निंग है ना? अच्छा गुड मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या बनाने वाले हैं हम आपको दिखा रहे हैं। बने रहिएगा हमारे वीडियो के आखिरी तक, बहुत ही मजा आएगा आपको इस वीडियो में। और ये देखिए, मैं बनाने जा रही हूँ देसी पिज्जा रोटी। मैं विश्वास के साथ बोल रही हूँ दोस्तों, अगर इसको आप ऐसा बना के खाएंगे ना, तो पिज्जा खाना छोड़ देंगे। ये क्या इज्जा पिज्जा आप लोग खाते रहते हो? ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता है और तबीयत खराब होता है इससे। और जो मैं बनाने जा रही हूँ, इस तरीके से आप खाएंगे तो हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। तो उसमें देखिए उसमें क्या क्या मिलाया हो? इसमें मैं क्या क्या डाली हूँ आपको बताती हूँ। मैं डाली हूँ पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज और लौकी और टमाटर, प्याज, ये जितने भी वेजिटेबल होते हैं घर मिर्ची में। विर्ची भी डाले हो? हाँ, मिर्ची भी डाली हूँ। और धनिया पत्ती वगैरह? धनिया पत्ती नहीं डाली हूँ, अच्छा क्योंकि हम लोग का पत्ती वाला धनिया नहीं है ना, हाँ। तो मैं नहीं डाली हूँ। बाकी आप डाल सकते हैं जितना भी घर में जो भी सब्जी है तो आप। इसको ऐसे ही बनाओगे कि इसके साथ में कुछ मिलाओगे? ये चावल आटा मिलाएंगे ना, चावल अच्छा आटा इसमें इसको, मैं डाली हूँ और हल्का सा मैं गेहूं का भी आटा डाली हूँ इसमें। अच्छा तो इसको हम मिक्स करते हैं फिर बनाते हैं। तो ये अच्छा लगेगा? और इसमें मैंने सेंधा नमक डाला नहीं, है, मेरे कहने का मतलब है खाने में अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? वो तो आप खा के बताओगे, अच्छा है ना। वाह। तो इसको किस में बनाओगे? मैं चूल्हा में बनाऊंगी। अच्छा आग लगा जला ली हो? हाँ जला ली हूँ मैं आग। ठीक है ठीक है ठीक। चलिए इसको हम मिलाते हैं, इसमें डालते हैं। पहले थोड़ा सा ही डाल के देखती हूँ, क्योंकि अगर ज्यादा डाल दूंगी तो फिर मिक्स करने में मेरे को थोड़ा दिक्कत होगा। और ज्यादा अगर ये वेजिटेबल बच जाएगा तो इसको हम सब्जी भी बना सकते हैं, अगर बच गया तो। और डालो और डालो, बस 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 बस, पानी डालो उसमें। सबको मिला दिया क्या? हाँ तो मजा आएगा रे। सबको मिला दी। तो दोस्तों आज बन रहा है देसी पिज्जा, खाने में बहुत मजा आएगा। पानी आ रहा है मुंह में। अब खाने के समय आपको दिखाते हैं कैसा रहेगा, और आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। इसको ज्यादा गाढ़ा न पतला, इसको मीडियम ही, मतलब चावल आटा को मिक्स करना है। देखिए ऐसे एकदम ढीला नहीं करना है ना, एकदम गाढ़ा नहीं करना है। तो फ्रेंड देखिए, मैंने तवा को चढ़ा दिया है चूल्हे में, और आप सोच रहे होंगे कि चूल्हे में क्यों बना रही है करके। तो चूल्हे का मतलब हर चीज बहुत ही टेस्टी लगता है, इसीलिए मैं ज्यादातर चूल्हे में बनाती हूँ। गैस सिलेंडर है हमारे यहाँ और अंदर अंधेरा भी होता है, तो इसीलिए मैं, और चूल्हे का अच्छा लगता है भी सभी को, तो इसीलिए मैं चूल्हे में बना रही हूँ। तवा को मैंने गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। अब इसमें हम डालेंगे तेल। तो चलिए डालते हैं। अब इसको मैं चारों तरफ फैला लेती हूँ तेल को, देखिए ऐसे। अब इसमें हम डालेंगे अपना जो बनाए हैं हम घोल,
ज्यादा गर्म हो गया है मेरा तवा, तो मैं थोड़ा सा नीचे उतार लेती हूँ क्योंकि बहुत गर्म है ये। और मैं ऐसी डालूंगी इसमें, चलिए इसको हम चढ़ा देते हैं। और इसको हम ढक देंगे। तो फ्रेंड इसको हम ढक देते हैं, फिर ये भाप से पकेगा, फिर आपको हम दिखाते हैं थोड़ी देर में। इसको पकने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा, तो 15-20 मिनट के बाद आपको दिखा। तो देखिए फ्रेंड मैंने पलटा लिया है, ये हमारा रोटी तैयार हो गया है। अब हम इसमें दूसरा रोटी डालेंगे। तो चलिए इसको हम लोग खाने के लिए दे देते हैं मिस्टर को, और पूछते हैं उनसे कैसा बना है। ठीक है तो दोस्तों फाइनली ये हमारा पिज्जा तैयार हो गया है। वाओ बहुत सुंदर है। अब देखते हैं खाने के समय कैसा लग रहा है, और इसको हम टमाटर की चटनी के साथ खाएंगे, बहुत मजा आएगा। यहाँ पर बाबूजी को भी दिए हम लोग खाने के लिए। देखिए बाबूजी भी ठीक हो गए हैं और खा रहे हैं। तो चलिए पूछते हैं बाबूजी कैसा लगा थे। बढ़िया लगा थे। बस इनका राइट हैंड काम नहीं कर रहा है, बाकी बातचीत भी थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट हो गया इनका। तो आप लोगों की सबकी दुआओं का असर है जो बाबूजी ठीक हो गए हैं। तो ये फाइनली हमारा पिज्जा, देसी पिज्जा तैयार हो गया, और इसको हम इसके साथ खाएंगे टमाटर की चटनी के साथ। तो कैसे लग रहा है आपको, है ना। तो मेरे हिस्से में आया है दोस्तों आधा, है ना, सबको आधा आधा मिलेगा, सभी जने को। तो दिखाते हैं। और ये डंडा, डंडा दिखाओ डंडा। ये डंडा क्यों रखा हूँ पता है, जब अगर ये अच्छा नहीं लगेगा तो बनाने वाले को मार पड़ेगा इसमें, ठीक है। अच्छा, इसलिए इसको रखा गया है। चलो पहले खाओ तो, और अच्छा लगेगा। अच्छा तो मैं, ये रहा, मैंने 3 बनाया है, एक पकड़ा है। और तो चलिए दोस्तों इसमें इन लोग खा के काम में भी भिड़ेंगे, अभी क्या काम करेंगे आपको दिखाएंगे। चटनी ले लेता हूँ मैं अपने हिस्से का, और टमाटर चटनी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आपको दिखाते हैं ये हमारा देसी पिज्जा। अब इसको मैं तोड़ता हूँ। वाओ, तो पानी क्यों पी रहा है बेटा खाने से पहले। देखिए दोस्तों ये बड़ा अच्छा ही दिख रहा है, और मजा आएगा खाने में। तो चलिए टेस्ट करता हूँ मैं। झूठ मत बोलना, ठीक है, जैसा लगेगा बता देना। अच्छा नहीं लगेगा तो डंडा तो है। सच्ची में टेस्टी लग रहा है, बहुत मीठा आ रहा है। हाँ? नहीं अच्छा लग रहा है। उस वाला को खाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, इतने को पता नहीं चलेगा टेस्ट। आपको तो ज्यादा च मिलता है तभी खाने का समझ में आता है, उतना ही का तो खाओ, सही सही बताओ ना। बहुत अच्छा है भाइयों, बहुत अच्छा है, आप भी ऐसा खाया करो। ये घरेलू नुस्खे से बना हुआ है ना, कितना मेहनत भी तो की हूँ। और आप वो खाते हो दुकान में, सास और बहू के साथ खाते हो, है ना, सास और बहू के साथ। ये टमाटर की चटनी, सास और बहू के साथ, सास टमाटर सास चिल्ली सास रहता ना, उसमें ना खा के इसमें आप खाया करो। तो डंडा कैंसर। तो दोस्तों मजा आ रहा है देसी पिज्जा खाने में। तो
आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बिल्कुल जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, बाय।